Hi guys, it's Khushi. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So guys, I'm back with another video and this video is all about Sadar Bazaar Haul. So अभी recently मैंने visit किया था Sadar Market and दिवाली के time पे visit किया था मैंने. So ये video थोड़ी late डाल रही हूँ. तो वहाँ पे दिवाली की collection बहुत ज़्यादा थी but मैंने on the other side मैंने makeup की collection भी वहाँ पे check out करी है. So आज की video में मैं आपको वही show करने वाली हूँ कि वहाँ पे makeup कैसा है and वहाँ की range कितनी है and वहाँ की quality कैसी है. So पहले आप market की clips देख लीजिए. थोड़ी बहुत छोटी छोटी मैंने clips ली है. So वहाँ का थोड़ा आप देख लीजिए एंड उसके बाद मैं शो करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है. सदर बाजार जाने का रूट काफी ज्यादा सिंपल है. आप यहाँ पे मेट्रो से भी जा सकते हैं एंड आप बाय ऑटो और कैब से भी जा सकते हैं. तो मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको सदर बाजार की मार्केट स्टार्ट हो जाएगी एंड स्टार्टिंग में आपको सारा खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा. एंड थोड़ा आगे जाते हुए मुझे यहाँ पे ये मेकअप का सामान काफी ज्यादा मिल रहा था. तो मैंने यहाँ से मेकअप काफी ज्यादा चेकआउट किया है एंड आगे की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ. एंड जब मैं यहाँ पे गई थी तब यहाँ पे दिवाली का सामान काफी ज्यादा मिल रहा था क्योंकि दिवाली फेस्टिवल सीजन था उस टाइम. तो यहाँ पे आपको दिया डेकोरेशन का सामान काफी ज्यादा अमाउंट में मिल रहा था एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे चीप रेट पे मिल रहा था यहाँ पे. सो अगर आपको कोई भी फेस्टिव की यहाँ पे शॉपिंग करनी हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चीप रेट पे हर चीज मिल जाएगी. सो यहाँ पे लाइटिंग्स के भी ऑप्शन काफी ज्यादा मिल रहे थे. आप अगर जनरली परचेज करोगे तो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है ये फेस्टिव सीजन पे बट यहाँ पे काफी ज्यादा मिनिमल रेट में मिल जाएंगे आपको. सो या गाइस कुछ इसी टाइप की है ये मार्केट. बट आज की वीडियो में मैं आपको मेकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ एंड यहाँ पे आपको शोपीस में मिल जाएंगे काफी ज्यादा अच्छे रेट पे. एंड ऑल्सो गाइज ऑन द अदर हैंड आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में मिल जाएंगे एंड काफी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे. सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं दिवाली के आसपास गई थी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था एंड दिवाली के आसपास मोस्टली वहाँ पे लोग आपको दिवाली का ही सामान सेल करेंगे. बाकी सामान को लिए वो मना भी कर सकते हैं आपको क्योंकि उस टाइम दिवाली का सीजन रहेगा तो दिवाली का ही मोस्टली आपको सामान देंगे. तो अगर आप फेस्टिव सीजन का हटा के आप जाओ तो आपको काफी ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें वहाँ पे मिलेंगी एंड बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस में मिलेगी गाइज. एंड आज मैं आपको सिर्फ मेकअप शो करने वाली हूँ. सो मेकअप में मैंने काफी सारी चीजें बाय की है वहां से. सो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या परचेज किया. सो लेट्स गो. सो द फर्स्ट थिंग आई परचेज फ्रॉम सदर बाजार इज दिस बेस प्राइमर एंड इसकी कुछ पैकेजिंग इस टाइप की है एंड दिस इज फ्रॉम हिलेरी रोडा एंड आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ एंड दिस इज अ बेस प्राइमर. सो इसको ट्राई आउट कर लेते हैं. सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड दिस इज अ वैक्स बेस्ड प्राइमर. तो इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं हम एंड मैं अपने हाथ पे ही लगा के देखूंगी इसका टेक्सचर कैसा है. सो काफी ज्यादा नॉन ग्रीसी है एंड बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल चिपचिप नहीं है इसमें अगर आप यूज करोगे तो. बहुत अच्छा लगा मुझे एंड दिस इज ओनली फॉर ₹50 एंड काफी ज्यादा अच्छा है अगर आपको ये ट्राई करना है. सो इट्स अ थम्स अप फॉर मी एंड दिस इज ओनली फॉर ₹50. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट थिंग आई परचेज फ्रॉम सदर बाजार इज दिस लिक्विड इल्यूमिनेटर एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हिलेरी रोडा. सो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है. सो ये थोड़ा गंदा हो रखा है बाहर की पैकेजिंग से क्योंकि वहां पे सामान एक साथ ही रखा होता है बट अंदर से ये बिल्कुल फ्रेश पीस है. सो इसको भी एक बार ओपन करके ट्राई करके देखते हैं. सो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है. मुझे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा इसको लगाने के लिए एंड ये मैंने अपनी फिंगर पे ले लिया है इल्यूमिनेटर. ये एक ग्लो, एक जब आप बेस बना रहे होते हो तो एक ग्लो के लिए यूज करते हैं. तो मैं ये भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ अपनी ये बोन पे. तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है इससे. ये वाली बोन पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये फेस्टिव लुक के लिए आई थिंक बेस्ट है. एंड दिस इज ऑल्सो आई गॉट फॉर ₹50. सो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये भी मैंने अभी फर्स्ट टाइम आप ही के सामने बिल्कुल ट्राई किया है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. एंड अभी तक जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं ये दो, तो ये दोनों तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं एंड ये दोनों सेम ब्रांड के हैं. सो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं. सो गाइज बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड स्टैमियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रांड स्टैमियो. सो इट इज मेड इन इंडिया विद आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज एंड टॉप मोस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड विद अटमोस्ट केयर एंड परफेक्शन एंड देयर प्रोडक्ट इज टोटली क्रूल्टी फ्री एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनी एनिमल्स. ऑल्सो दे यूज देयर बेस्ट नेचुरल इंग्रीडियंट्स टू यूज इन देयर प्रोडक्ट. सो द प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस.
सो दीज आर स्टैमियो प्योर आंवला रीठा शिकाकाई भृंगराज एंड हिबिस्कस पाउडर कॉम्बो पैक फॉर हेयर्स हेयर वॉश हेयर ग्रोथ एंड हेल्दी हेयर एंड स्कल्प सो दीज आर बेसिकली नेचुरल क्लींजर्स सो दीज प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल इन dandruff reduction. So these are the combination of 5 amazing herbs, amla, reetha, shikakai, bhringraj and hibiscus. When applied together as a hair pack can work wonder for all types of hair problems. इस प्रोडक्ट्स में हमें 5 प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 5 आमला शिकाकाई रीठा भृंगराज एंड हिबिस्कस पाउडर सो दीज आर 50 ग्राम्स ईच एंड पैकेजिंग इसकी कुछ इस टाइप की है सो इस पे सारी डिटेल्स आपको मेंशन होगी आप यहाँ पे हाउ टू यूज सब कुछ आपको मेंशन होगा नाउ लेट मी शो यू ऑल गाइस हाउ टू यूज दीज प्रोडक्ट्स सो टू यूज दीज प्रोडक्ट्स टेक 1 स्पून ऑफ ईच पाउडर विच इज आमला पाउडर रीठा पाउडर शिकाकाई पाउडर हिबिस्कस पाउडर एंड भृंगराज पाउडर एंड आफ्टर एडिंग दीज ऑल 5 पाउडर्स मिक्स इट इनटू अ फाइन पेस्ट विद यूजिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर सो इस टाइप का एक पेस्ट बना लेना एंड इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए एंड देन अप्लाई दिस टू योर हेयर एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स एंड इस प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है जितना भी ये कलर है रेड कलर ये सारा हिबिस्कस पाउडर की वजह से आया है सो देयर आर नो आर्टिफिशियल कलर एडेड इन दिस प्रोडक्ट्स वॉश कर लिया एंड काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लगा मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे इस टाइम अपने बाल सो या गाइज इट्स अ थम्स अप एंड यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट ऑल्सो गाइज पैच टेस्ट इज एडवाइजेबल फॉर सेंसिटिव हेयर स्कैल्प एज आमला कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी सो गाइज मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल्स एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो यू कैन चेक आउट देयर एंड या गाइज नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज अ ब्लशर स्टिक तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है बिल्कुल अच्छे से ऐसे पैकेजिंग में आया था तो इसको ओपन करके देख लेते हैं हम एंड ये कुछ इस टाइप का है इसका लुक एंड दिस इज इन द शेड 04 बाकी इस पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं मैं इसको तो यहीं पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट मैं इसको फेस पे ही ट्राई कर लेती हूँ तो अप्लाई करने में तो काफी ज्यादा स्मूथ है ये एंड इसके पीछे ये स्पॉन्ज दे रखा है टू ब्लेंड इट आउट तो इसको ट्राई कर लेते हैं ये बिल्कुल एकदम न्यू है आप देख सकते हैं तो इसको ब्लेंड करके देख लेते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लुक लग रहा है मुझे इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल एकदम बहुत ही अच्छा मैट फिनिश दिया है एंड इसका स्पॉन्ज काफी ज्यादा स्मूथ है एंड बहुत ही अच्छे से इसने ब्लेंड कर दिया है सो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड दिस इज ओनली फॉर ₹100 एंड इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है इसको ऐसे ये रोटेट करने वाला है सो इतनी इसकी क्वांटिटी है तो ये काफी ज्यादा टाइम तक चल जाएगा तो काफी ज्यादा अच्छा है सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दीज पेन लाइनर सो पेन लाइनर मुझे काफी टाइम से चाहिए थे एंड पेन लाइनर ऐसा कुछ नहीं है कि हम ब्रांडेड ही लेंगे तो लाइनर में तो चल जाता है अगर फेस की क्रीम है उसमें हम थोड़ा लगते हैं कि ऐसे नॉर्मल बाजार से ना लेके बिल्कुल ब्रांडेड ले ताकि स्किन पे कुछ ना आए तो उसमें आप सबको ये सूट नहीं करेंगे तो आप वो चेक करके लेना अपना अगर आपकी काफी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है सो आई रिकमेंड कि आप ये प्रोडक्ट ना ट्राई कीजिए एंड आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेना अगर आपको बहुत ज्यादा एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है बट लाइनर में चल जाता है सो लाइनर हम चेक कर लेते हैं ये बिल्कुल सील पैकेज था मैंने अभी अभी खोला है ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा डार्क है एकदम डार्क स्ट्रोक है एक ही बारी में और ये बहुत अच्छा है और एकदम स्मूथ है सो ये भी मैंने अभी अप्लाई किया था अभी मैंने शॉर्ट शूट किया था सो यही मैंने अप्लाई किया था दिस इज ऑल्सो थम्स अप एंड आई गॉट दीज ओनली फॉर ₹30 each सो यू कैन ट्राई दिस एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस आई शेडो पैलेट एंड ये काफी ज्यादा छोटू सी है एकदम अच्छी सी ऐसे एंड इसका भी आई थिंक MRP रेट नहीं लिखा है इस पे एंड दिस इज फ्रॉम शायरॉन एंड दिस इज अ हाईलाइटर आई शेडो किट तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं एंड इसकी पैकेजिंग भी कुछ इस तरह की है एंड ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी एकदम न्यू थी एंड इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स हैं एंड बहुत ही अच्छा न्यूड मेकअप कर सकते हो आप इससे, तो मुझे न्यूड शेड की पैलेट चाहिए थी तो इसलिए मैंने ये परचेज़ की। एंड इसका पिगमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका पिगमेंट थोड़ा सा गाइज हाई, बिल्कुल हाई पिगमेंट तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल ब्रांडेड में ही मिलेगा, बट मेरा काम इससे भी चल सकता है बहुत ही अच्छा। अगर आपको न्यूड मेकअप चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अगर आपको बिल्कुल पॉपअप कलर चाहिए तो आप ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जैसे येलो कलर चाहिए तो वो आपको इस चीज़ में नहीं मिलेगा, बट ये न्यूड पैलेट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें कलर आ जाता है। एंड बाकी भी मैं शेड ट्राई कर देती हूँ। तो ये चार कुछ शेड्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, पिगमेंट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹100, सो 100 रुपये में मुझे अगर ये मिलेगी तो आई एम ओके विद इट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस ब्राउ पेंसिल एंड ये दोनों ही मुझे मिली ओनली ₹30 की, ₹30 ईच, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट लगा मुझे भी इसका। सो आईब्रो के लिए मैंने इस वाली पेंसिल को तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है एंड बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसका शेड बिल्कुल परफेक्ट है, मैं आपको शेड दिखा देती हूँ एक बार। सो दिस इज अ ब्राउन शेड, ब्राउन ब्लैकिश शेड एंड ये मेरी आईब्रोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो नेक्स्टली आई गॉट दीज कलर्ड आई लाइनर्स एंड फर्स्ट वन इज फ्रॉम मैजिक प्लेलिस्ट एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम शेरॉन एंड दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग आई लिप फॉर्मूला एंड द सेकेंड वन इज वाटर प्रूफ पेंसिल जेल लाइनर। सो ये मैंने दो शेड्स में परचेज किया था, एक तो बिल्कुल ग्रीन है, डार्क ग्रीन एंड एक है थोड़ा गोल्डन येलो इस शेड में। सो हम ट्राई कर लेते हैं इनका भी पिगमेंट, इसकी पेंसिल थोड़ी, पेंसिल की टिप थोड़ी ऐसी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजीली लग जाएगा एंड ये शार्पन करना पड़ेगा आपको जैसे कि जैसे ये आपको छोटा होता जाएगा। सो इसको भी एक बार देख लेते हैं इसका पिगमेंट। सो गाइज ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मैट फॉर्मूला है एंड बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक ही स्ट्रोक में लग गया है ये। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ही ज़्यादा मैट, बिल्कुल भी चमक नहीं है इसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये इतनी बड़ी स्टिक है एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹30 एंड द नेक्स्ट वन इज दिस कलर। सो ये भी आप देख सकते हैं गोल्डन, इसमें थोड़ा शिमर है, ये थोड़ा गोल्डन इस शेड में है, तो अगर आपको थोड़ा वेडिंग लुक चाहिए एंड थोड़ा ग्लिटरी करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टू यूज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹30 ऑल्सो एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम सदर बाजार इज दिस टू लिपस्टिक। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम Glam 21। सो स्विस ब्यूटी वाला एक बार पहले बता देती हूँ मैं आपको, सो दिस इज इन द शेड 11 डस्की न्यूड। सो इसको ट्राई कर लेते हैं एंड ये कुछ मैंने पहले भी ट्राई कर लिया है, सो इसका शेड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम न्यूड शेड है एंड ये शेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये सारे ही स्किन टोन पे जाता है एंड इसके ऊपर आपको ये कलर के लिए भी मिल जाएगा आपको कलर चेकआउट करने के लिए, तो इसको भी मैं एक बार स्वॉच करके दिखा देती हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं ये वाला शेड है एंड ये मैं आपको लिप पे भी लगा के दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर न्यूड शेड है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एकदम न्यूड, ऐसे पता भी नहीं चल रहा कि आपने लिपस्टिक लगा रखी है। अगर आपको बिल्कुल ही मिनिमल लुक करना है तो मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस। एंड द सेकेंड शेड इज ऑलमोस्ट अपोजिट टू द शेड एंड ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है एंड दिस इज फ्रॉम Glam 21। सो ये भी मैट लिपस्टिक है एंड ये है सिल्क वेलवेट एंड इसमें एंड दिस इज इन द शेड G09 रियल मरून। सो इसको भी एक बार स्वॉच कर लेते हैं एंड इसका शेड बहुत ही ज़्यादा डार्क है, सो ये है थोड़ा इस मरून शेड में। सो ये भी है गाइज, अगर आपको थोड़ा डार्क लिपस्टिक अप्लाई करना है तो ये शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सो स्वॉच में भी ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। सो इनका लिप पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं चल रहा कि मैंने लिप्स पे कुछ लगा रखा है या फिर चिपचिपा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आई गॉट दीज ओनली फॉर ₹50 ईच। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड लिपस्टिक शेड एंड इन अ मिनिमल रेंज सो यू कैन ट्राई दिस आउट। सो या गाइज अगर आपको एलर्जी वगैरह है या फिर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस एट ऑल। सो आप सिर्फ अपने स्किन टोन के हिसाब से ही आप ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। आई एम जस्ट सजेस्टिंग सम मिनिमल रेंज प्रोडक्ट्स जो कि आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे सदर बाजार में। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।